प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान में गति का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में गति नामक पाठ है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। विज्ञान विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे। विज्ञान विषय में जो है आज का अध्ययन बिंदु जो हम लोग का है वह गति है। गति से क्या समझते हैं इसको जानेंगे। हम लोग पूरे दिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। कभी घर से विद्यालय जाते हैं, कभी घर से बाजार जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है हम लोग के स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। गति को जानने के लिए हम बताएंगे कि यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है गति के अवस्था में है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? जैसे जैसे समय बढ़े वस्तु के स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए, तभी गति संभव है। जैसे एक उदाहरण से आप लोग समझेंगे कि कोई वस्तु जो है यहां पर है, चाहे आप लोग खुद जो है ये जो बिंदु है यच है, यच का मतलब अपने घर है, होम पर है, और यहां जो टाइमिंग है ये 8:30। अब आप लोग अपना साइकिल उठाते हैं और विद्यालय के लिए चल लेते हैं, और आप लोग क्या किए, विद्यालय के लिए चले, यस मतलब स्कूल के लिए चले, और जब 8:30 पर चले और विद्यालय आप लोग पहुंच गए 9 बजे। यानी समय बढ़ा आपका कितना, 8:30 से 9 बजे तक। आपकी स्थिति 8:30 पर घर पर थी और 9 बजे स्कूल पर हो गई। यानी समय जब बढ़ा तो आपके स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, इसका मतलब आपने गति किया। गति का तात्पर्य यही है कि आपके स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। यदि समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप गतिशील नहीं है। उदाहरण के लिए आप मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, 8 बजे से पढ़ाई करना शुरू किए, 9 बज गया, 10 बज गया, आप मेज पर बैठे हैं, समय बीत रहा है लेकिन आपके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे हम गति नहीं कह सकते। गति के लिए स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक है। अतः इस वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु जो होगी वह गति के अवस्था में होगी। यानी गति के लिए वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा वह वस्तु विरामावस्था में होगी, गति के अवस्था में नहीं होगी। एक और उदाहरण ला लीजिए, जैसे आप विद्यालय आए साइकिल से और साइकिल को आप साइकिल स्टैंड में लगा दिए। अब वो साइकिल जो है स्टैंड में खड़ी है, 10 बजे से 4 बजे तक वही साइकिल खड़ी है, इसका मतलब साइकिल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो साइकिल किस स्थिति में होगी, विराम अवस्था में होगी।
गति के अवस्था में नहीं होगी, यानी गति के लिए समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक। अब जो है इसके बाद हम विचार करेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की गति को हम उस गति का क्या नाम देंगे। जैसे रोड पर हम गति कर रहे हैं, सीधे रोड पर साइकिल चला रहे हैं, सैनिक जो हैं मार्च कर रहे हैं, कोई लड़का है वह वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहा है, कोई लड़का है वह झूला झूल रहा है, सभी लोग गति कर रहे हैं, लेकिन उस गति का क्या नाम होगा इस पर विचार करेंगे। तो अगर कोई लड़का है, चाहे अगर कोई वस्तु है, और वह वस्तु जो है सीधी रेखा में गति कर रहा है, जैसे रोड पर कोई वस्तु जो है गति कर रहा है, रोड पर कार गति कर रही है, रोड पर बस जा रहा है, तो वह अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उस गति को हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, सरल रेखीय का मतलब हुआ एक सीधी रेखा में गति होना चाहिए। अब आप विचार करेंगे कि कौन सी गति सरल रेखीय गति होगी, तो जब आप विचार करेंगे तो आपको आभास होगा कि जब हम रोड पर गति करते हैं तो सीधी रेखा में गति करते हैं, तो वह गति जो होगी वह सरल रेखीय गति होगी। सैनिक जब मार्च करते हैं, अभी 15 अगस्त आ रहा है, आप लोग देखेंगे जब परेड होगा तो सैनिक बिल्कुल सीधी रेखा में मार्च करते हैं, उन सैनिकों की जो गति होगी वह सरल रेखीय गति होगी। इस तरह से यदि कोई बस सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद से फिर से विचार करिए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कौन सी गति करती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गति करता है करती है, किसी वस्तु को रस्सी से बांध कर जब हम इस तरह से घुमाते हैं तो वह वस्तु कौन सा गति करता है, घड़ी की सुई है जो घूमती रहती है वह कौन सी गति करता है, साइकिल का जो पहिया है वह भी घूमता रहता है वह कौन सा गति करता है। सब पर जब आप विचार करेंगे एक अलग प्रकार के गति आपके दिमाग में आएगा और उस गति को हम कहेंगे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का क्या मतलब है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे तो वस्तु के इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति। तो जो साइकिल का पहिया है वह जो गति करता है वह भी वृत्तीय गति होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उस गति को भी हम वृत्तीय गति कहेंगे। पंखा जो चारों ओर घूमता रहता है, पंखे के ब्लेड पर अगर हम कोई मार्क लगा देंगे, कोई चिन्ह बना देंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो वह इस तरह से गोले के रूप में चारों तरफ घूमता रहता है, लगेगा आपको कि इस तरह से घूम रहा है, तो इस गति को भी हम कहेंगे वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति को कैसे बताएंगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद से और फिर हम तीसरे प्रकार के गति पर विचार करेंगे, जैसे कोई लड़का है झूला झूल रहा है,
घड़ी के पेंडुलम को ध्यान से देखिए, वह इधर उधर ऐसे गति करता है। एक शीशा आता है, आप पार्क में जब कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ एक शीशा, शीशा मतलब इस तरह से रहेगा, एक लड़का यहाँ बैठेगा, एक लड़का इधर बैठेगा। अब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, और यह नीचे जाएगा तो यह ऊपर आएगा, तो यह भी गति है। तो यह किस प्रकार का गति है, इस पर विचार करेंगे। तो झूले की जो गति होती है, घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है, और शीशा की जो गति होती है, इसको हम लोग कहते हैं, ये गति का तीसरा प्रकार है, दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति या आवर्ती गति, इसका एक और नाम है आवर्ती गति। आवर्ती गति, अब चलिए दोलन गति या आवर्ती गति को जान लेते हैं। तो दोलन गति आपसे पूछा जाए तब बताएंगे कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर गति करे, चाहे दोनों तरफ गति करे, तो इस प्रकार के गति को दोलन गति या आवर्ती गति कहते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि कोई उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, शीशा की गति। अब एक बार और आप जान लेंगे हम लोग क्या पढ़े, गति पढ़े। तो यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील होगी, गति की अवस्था में होगी। गति तीन प्रकार का होता है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति या आवर्ती गति। सरल रेखीय गति का क्या मतलब है? यदि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करे तो वस्तु के इस प्रकार के गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण में आप बताएंगे, आपसे कोई उदाहरण पूछेगा तो आप बताएंगे सीधी सड़क पर वाहन की गति, या मार्च करते हुए सैनिकों की गति। उसके बाद से वृत्तीय गति आपसे पूछा जाए, जो दूसरा प्रकार है, आप बताएंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति पृथ्वी के जो चारों ओर करती है। उसके बाद दोलन गति या आवर्ती गति, इसमें आप बताएंगे जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति या आवर्ती गति कहते हैं। दोलन गति का उदाहरण क्या है? तो घड़ी के पेंडुलम की गति, उसके बाद से झूले की गति या शीशा की गति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो और गतियों का प्रकार है, जिसे हम कहते हैं तीव्र गति, तीव्र गति तथा मंद गति। अब तीव्र गति किसे कहेंगे इसको जानिए, मंद गति किसे कहेंगे इसको जानिए। तीव्र गति का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइकिल से चल रहे हैं और आपके साथ कोई दूसरा लड़का मोटरसाइकिल से चल रहा हो तो मोटरसाइकिल की जो गति होगी आपकी गति से अधिक होगी, यानी मोटरसाइकिल की जो गति होगी वह तीव्र गति होगी और साइकिल की जो गति होगी वह मंद गति होगी। यानी तीव्र गति का क्या मतलब, वह वस्तु जो तेजी से गति करते हैं उसके गति को तीव्र गति कहते हैं। जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल की गति तीव्र गति होगी जबकि साइकिल की गति मंद गति होगी। अब जो है मंद गति का क्या मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु
धीरे धीरे गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को मंद गति कहते हैं। मंद गति में होगा क्या, अब इसका भी उदाहरण आप बताएंगे। जैसे घोड़ा दौड़ रहा हो और ऊंट दौड़ रहा हो तो घोड़ा जो होगा वह ऊंट से आगे आगे दौड़ेगा और ऊंट घोड़ा के पीछे पीछे दौड़ेगा, तो ऊंट की जो गति होगी वह मंद गति होगी जबकि घोड़े की जो गति होगी वह तीव्र गति होगी। तो ये था तीव्र गति और मंद गति।